नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि RRB की तरफ से हमेशा जो भी एग्जाम कराने हैं, चाहे वो NTPC का हो या ग्रुप डी का हो, उनके लिए अब लगातार नोटिफिकेशन आने लगे हैं। कई सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो फिलहाल हम आज RRB ग्रुप डी की तरफ से एक कोरिएंडम और अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट नंबर 4। इसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात है वो है EWS वाली कैटेगरी के लोगों के लिए। तो जो भी EWS कैटेगरी के लोग हैं वो उनको जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जरूरी क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से इसमें बदलाव किया गया, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी यहाँ पे बदलाव की गई है, उसको बताया गया है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। इन सब में क्या क्या बदलाव हुए हैं और अब नया क्या होगा, उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब कुछ हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो डिटेल है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप वीडियो में कॉमेंट करें। आपके सारे कॉमेंट्स का जवाब मैं हमेशा देता रहता हूँ, तो यहाँ भी आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज आप लाइक करिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको उसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं और तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। मई में एग्जाम शुरू हो जाएगा NTPC का और जैसे ही NTPC के सारे लेवल के एग्जाम खत्म होते हैं वैसे ही ग्रुप डी का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जून जुलाई के महीने या अगस्त तक आपका जो है ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं है, अब तैयारी भी साथ साथ में आप करते रहिए। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कोरिएंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4, डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRC 01/2019 का जो पोस्ट था उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। ये 7 अप्रैल की नोटिस आई हुई है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि कोरिएंडम अमेंडमेंट नंबर 1 जो कि 15/3/2019 को दिया गया था और एक अगला अग्रीमेंट नंबर आया था नंबर 3 जो कि 24 जनवरी 2022 को आया था। इन सब के बदले में अब एक नया अमेंडमेंट आया है जो कि अमेंडमेंट नंबर 4 है और इसी को देखा जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि जो 24 जनवरी 2022 को किया गया था वो कैंसिल कर दिया गया, उस अमेंडमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। अब उसको उसके बदले में ये नया अमेंडमेंट आया है और इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पैराग्राफ है 2.1 सीरियल नंबर, इसमें ही EWS के बारे में लिखा गया है कि डिटेल ऑफ CN नंबर पेज नंबर 11 पे लिखा गया है। आप जो ओरिजिनल वाला है ये उसका पेज नंबर दिया गया है। EWS के रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में दिया गया है। देखिए जो नया पुराना नोटिफिकेशन था उसमें ये लिखा गया था कि कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द CN नंबर RRC 1 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12/4/2019। तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिया गया 2018-19 का होना चाहिए, ऐसा उसमें दिया गया था RRC 1 में। अब क्योंकि ये पुराना है और काफी टाइम बीत चुका है इसलिए इसमें अमेंडमेंट करके इन्होंने बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 था वो तो अगर किसी का है तो ठीक है, लेकिन एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो वहां पे क्लोजिंग डेट 12/4/2019 है, पहले था कि उसके पहले का इशू हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 12 अप्रैल 2019 के बाद का भी इशू है तो भी अब उसे वैलिड माना जाएगा। देखिए हो क्या रहा था कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि मान लो SSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिनका भी क्लोजिंग डेट के पहले का इशूड नहीं था जो EWS सर्टिफिकेट है, या फिर जिनका फाइनेंशियल ईयर सही नहीं था। हालांकि अभी भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो इशू कभी का भी हो, है ना,
तो अगर आज का भी अगर आप कराते हो, लेकिन उसे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है और इशू उसके बाद का कभी का भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर एक आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फायदा मिलता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम काफी सारे कैंडिडेट के साथ रही थी, क्योंकि उस टाइम पर ये सर्टिफिकेट नया नया बना था और इस वजह से लोग बाद में इसको बनवाए थे। तो अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका है यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स की बात की गई है। तो देखिए, पहले क्या था कि आपका जो मार्क्स का जो कैलकुलेशन था वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर था, है ना। जो भी कई सारे सेशन हुआ करते थे उनमें से नॉर्मलाइज करने के बाद जो मार्क्स आता था उसके ऊपर मेरिट बनती थी। लेकिन अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है, नॉर्मलाइज जो सिस्टम था उसको चेंज करके परसेंटाइल स्कोर पे कर दिया गया है ना। अब जो होगा वो परसेंटाइल बेसिस पर आपका जो भी मेरिट लिस्ट होगी वो बनेगी। अब परसेंटाइल होता क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देखना कि परसेंटाइल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से आपके उसमें रैंकिंग दी जाती है। अगली जो बात लिखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होगा। तो देखिए, पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें दिया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर 1.05 टाइम्स यानी कि 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, है ना। डीवी में बुलाया जाएगा 1.05 यानी कि 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट। जितनी वैकेंसीज है, मान लो 100 वैकेंसीज है, तो 5% एक्स्ट्रा यानी 105 लोगों को बुलाया जाएगा। ये पहले का था, लेकिन अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है ना। अभी इसमें क्या कर दिया, 1.1 की रेशियो कर दी, यानी कि 100 की अगर वैकेंसी होगी तो 100 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है कि सिर्फ जितने कैंडिडेट, जितने रिक्वायरमेंट होगी उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे बुलाया जाएगा। दूसरी चीज जो लिखी गई है कि इन एडिशन द कैंडिडेट्स विल हाउएवर बी कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ओनली इफ देयर इज अ शॉर्ट फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, है ना। बाद बताएगा कि अगर डीवी के टाइम के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, है ना, या फिर किसी वजह से उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, तो अगर शॉर्ट फॉल होता है एम्प्लॉयमेंट में तभी जाकर के अगली लिस्ट निकाली जाएगी, ऐसा पहले बोला गया था। लेकिन अब क्या बोला गया है कि अब जो होगा डाउन द मेरिट लिस्ट, इसमें बताया गया कि लिस्ट जो मेरिट लिस्ट होगा उसको डाउन कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरह का शॉर्ट फॉल होता है तो। क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुला रहे हैं, जितनी वैकेंसी है उतने ही बुला रहे हैं, तो अगर उसमें कोई शॉर्ट फॉल होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाते हैं, तब जाकर के मेरिट लिस्ट को डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड चीज लिखी गई है वो बताया गया कि अगर दो एक या दो दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट जो है सिक्योर करते हैं सेम मार्क्स, तो उनके लिए क्या यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए, उनका जो मार्क्स होगा वो पहले तो नॉर्मलाइज परसेंटेज स्कोर पे किया जाएगा जो कि ऑलरेडी है। अगर उसमें वो सेम नंबर या सेम रैंकिंग होल्ड करते हैं तो ऐसे में पहले उनके एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया जाएगा, मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। ओल्डर एज पर्सन शुड बी हायर मेरिट, है ना। अगर वो भी सेम हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनके नाम के अकॉर्डिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। अगली बात जो लिखी गई है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड रेलवे यूनिट्स के बारे में दी गई है कि किस तरीके से प्रेफरेंस पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया गया ना कि शॉर्ट फॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट अदर एग्जिस्टेंस आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्टेज जो आप भरोगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, सेकंड किसको दे रहे हो, थर्ड किसको दे रहे हो, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट को डाउन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी हायर मेरिट है तो या फर्स्ट प्रेफरेंस पे जाओगे और उसके बाद सेकंड पे आपके लिए कंसिडर किया जाएगा, थर्ड के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा वैकेंसीज के लिए दिया गया है कि देखिए, वैकेंसी जो होगी वो अकॉर्डिंग टू क्या लिखा गया, द पोस्ट पैरामीटर, हाँ, क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज की बात कही गई है, लेकिन इसको चेंज करके क्या लिखा गया है, द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी एडीसी। तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है इसका एक लिस्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है, वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपको चेक करना होगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो किस पोस्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है, ठीक है। बाकी की जो चीजें लिखी गई हैं उसमें ये कुछ अमेंडमेंट है जिसमें बताया गया कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन के जगह पे आगे आपको
हर जगह नोटिफिकेशन में पॉइंट्स में नहीं पढ़ना है, एनेक्जर वन को एनेक्जर वन ए पढ़ना है। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, बाकी सारी चीजें अनचेंज रहेंगी। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो यहाँ ऊपर लिखी गई थी, वो मैंने सारी डिटेलमेंट आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इतनी सारी चीजें बताई गई थी, आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करिए और आगे जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको डेफिनेटली वो सारे डिटेल्स जो हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा। वैसे अभी एनटीपीसी का प्रिपरेशन आप उम्मीद करता हूँ कर ही रहे होंगे, जो कि मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बाकी आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।